जबरदस्ती एक महिला को नंगा कर 6 महीने तक उसके साथ एक वहसी दरिंदे ने रेप किया। दोस्तों आखिर ऐसा क्या घटता है, इस घटना के पीछे की सारी सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों एक हद की भी हद होती है, जैसे कि एक मान के चलिए लोटा है, लोटे में अगर आप पानी भरोगे तो एक हद ऐसी आएगी जब लोटे में पानी पूरा भर जाएगा और फिर उसके बाद जब आप पानी डालोगे तो लोटे से ऊपर पानी बिखरने लगेगा। तो हद की भी एक हद होती है, इसी तरह का वाक्य इस घटना के अंदर है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है राजस्थान के जयपुर के आमेर थाने के इलाके की। आमेर थाने के इलाके में रामराज मीना नाम का एक लड़का रहा करता था जिसकी उम्र थी 30 साल। दोस्तों वह अपने घर में रहा करता था, कोई दिक्कत नहीं थी, और उसी के पड़ोस में एक महिला रहा करती थी जिसकी उम्र थी 27 साल। उस लड़के की नज़र उस महिला के ऊपर टिक जाती है। जब भी वह महिला अपने खेतों पर जाती है या फिर किसी काम को करने के लिए बाहर निकलती है घर से, तो उसकी नज़रें रामराज मीना की नज़रें उस पर टिक जाती हैं और अब वह उसके साथ कुछ करने की ठान लेता है और सोचता है कि मैं इसी के साथ अपना जीवन गुजारूंगा। दोस्तों अब वह रात दिन उसको इधर उधर देखता रहता है और वह मौका ढूंढता रहता है कि कब इस महिला के घर में कोई भी व्यक्ति नहीं होगा तो मैं इसके घर जाऊंगा और इसके साथ कुछ ऐसा करूंगा जो मुझे करना चाहिए। दोस्तों इसी तरह से एक दिन उसको मौका मिल जाता है, उस महिला के घर में कोई भी नहीं होता है तो वहाँ पर चुपके से रामराज उसके घर में घुस जाता है। तो रामराज मीना उसके घर में चुपके से घुस जाता है और वहाँ जाकर उस महिला के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। वह महिला चिल्लाती है लेकिन उसकी आवाज़ किसी को नहीं सुनाई देती है और फिर वह महिला चिल्लाना भी बंद कर देती है क्योंकि बेइज्जती का डर उसको लगता है। चाहे खोट किसी ने किया या ना किया हो, लोग तो यही समझेंगे कि महिला ने उसको बुलाया था। दोस्तों उसके बाद वह उसके कपड़ों को फाड़ देता है और उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बना लेता है और संबंध बनाते हुए वह उसकी वीडियो भी बना लेता है। वीडियो बनाने के बाद वह उस महिला से कहता है कि मैंने तुम्हारी वीडियो बना ली है, अगर यह बात किसी और से कही तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारी वीडियो को वायरल कर दूंगा और तुम्हारे घर वालों को जान से मार दूंगा। दोस्तों वह महिला चुपचाप अपने घर में बैठ जाती है और यह बात ना ही अपने घर वालों को बताती है और ना ही किसी बाहर वाले को बताती है। अब दोस्तों क्या होता है, अब स्टार्ट होता है वह सिलसिला जिसका अंत होना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। अब जब उसका मन किया करता था रामराज मीना का उससे संबंध बनाने का, तो वह उससे फ़ोन किया करता और उसको अपनी मनचाही जगह पर बुला लिया करता और जो वह लड़की थी 27 साल की वह मजबूरी में उसके पास आ जाया करती क्योंकि उसने उसकी वीडियो बना रखी थी, अगर वह उसके पास नहीं जाती तो वह उस वीडियो को वायरल कर देता। इस डर से वह लड़की उसके पास जाती रहती है। दोस्तों इसी तरह से मामला चलता रहता है, हर रोज़ उसके नए नए शौक होते हैं रामराज के, हर रोज़ वह उस लड़की को बुलाने लगता है। इसी तरह से बुलाते बुलाते 6 महीने गुजर जाते हैं। 6 महीने गुजरते गुजरते अब वह लड़की परेशान हो जाती है और अब वह लड़की परेशान इतनी हो जाती है कि अब वह उससे छुटकारा पाना चाहती है, लेकिन अब वह इस बात को लेकर भी चिंतित है कि अगर मैंने इसके खिलाफ कुछ बोला तो यह मेरी वीडियो को वायरल कर देगा, मुझे बदनाम कर देगा। लेकिन दोस्तों वह लड़की हिम्मत करके अपने घर वालों को बताती है इस पूरी घटना के बारे में कि मेरा पिछले 6 महीनों से शोषण किया जा रहा है, मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है, वह ज़बरदस्ती मेरे घर में घुसा और मेरे साथ संबंध बनाए, फिर उसकी वीडियो बनाई और अब वह मुझे मजबूर करता है हर रोज़ अपने साथ संबंध बनाने के लिए। दोस्तों उसके घर वाले और वह खुद मिल करके पुलिस थाने में जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवा दी जाती है और दोस्तों जैसे ही रामराज को पता लगता है कि उस महिला ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी है तो वह घर से फरार हो जाता है। अब पुलिस उसको ढूंढती रहती है, इधर उधर छानबीन करती रहती है। 1.5 महीना गुजर जाता है उसकी तलाश में लेकिन वह कहीं भी नहीं मिलता है। तभी अचानक 1.5 महीने के बाद रामराज पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, पुलिस उसको रिमांड में ले लेती है। दोस्तों पुलिस उससे पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया, तो रामराज बताता है कि यह महिला बहुत ही खूबसूरत थी और मैं इसके साथ संबंध बनाना चाहता था, मैं कोई मौके की तलाश देख रहा था कि मुझे कोई मौका मिले और मैं इसको अपने काबू में ले लूँ, इसलिए मैंने अपनी हवस को मिटाने के लिए इसके साथ संबंध बनाए। तो दोस्तों पुलिस उसको अरेस्ट करके जेल भेज देती है और मामले को आगे बढ़ाती है। तो आप क्या कहना चाहते हो दोस्तों ऐसे समाज के गंदे लोगों के बारे में जिसने एक हद की भी हद को पार कर दिया, अपने पड़ोस की एक महिला के साथ इस तरह से 6 महीने तक एक जुर्म करता रहा।
आप क्या कहना चाहते हो, रामराज को क्या सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, समाज भाईचारे का नाम एक तरह से समाज होता है। हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, तभी मिलकर एक समाज बनता है, समाज की नींव रखी जाती है। लेकिन समाज के अंदर अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो हमारे समाज में और जंगल में क्या फर्क होगा? जंगल और समाज फिर एक ही तराजू के पल्ले से तोला जाने लगेगा। तो समाज की जो मर्यादा है उसकी कद्र करें और समाज के जो मायने हैं उनको अच्छी तरह से सीखें, जानें, पूछें और समाज में रहने की प्रक्रिया को समझें। दोस्तों, आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं उस घटना के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर तिरछी बात चैनल पर। और तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।